वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वुमेन्स एनबीए का जो प्लेऑफ का मैच खेला जाने वाला है कनेक्टिकट सुन्स वर्सेस इंडियाना फेवर के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी देकर रखी है आपको कमेंट बॉक्स में। और पिछले जो 4-5 मैचेस रहे स्पेशली WNBA के, वो हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। पिछले 5 में से 4 मैच हमने यहाँ पर क्लीन स्वीप किए। आज के मैचेस के बारे में इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, कौन सी टीम के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिकट सुन्स और इंडियाना फेवर प्लेऑफ का जो 3 मैचेस की सीरीज खेली जाने वाली थी, जिसमें से जो टीम 2 मैच विन करेंगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। फर्स्ट मैच ऑलरेडी कनेक्टिकट सुन्स विन कर चुके हैं। आज का मैच इंडियाना फेवर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस के चलते इंडियाना फेवर आज के मैचेस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आज का मैच हारते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, कनेक्टिकट सुन्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। तो ये है आज के मैचेस के लिए स्टैट्स। अभी बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो पिछले यहाँ पर 4 में से बस एक ही मैच विन कर पाए इंडियाना, बाकी के जो 3 मैचेस जो विन किए वो कनेक्टिकट्स ने विन किए। और जब जब यहाँ पर कनेक्टिकट्स के होम में मैच होता है तो उस मैचेस में यहाँ पर इंडियाना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो आज का मैच कनेक्टिकट्स अपने होम में खेलने वाले, तो इंडियाना की तरफ से आप अच्छा परफॉर्मेंस आज के मैचेस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की जो टीम बनेंगी उसके कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताऊंगा। प्लेऑफ के मैचेस से तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे नहीं, सेम स्टार्टिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेंगे। बस एक इंजुरी अपडेट से ताहिर हैरिस लास्ट मैचेस में इंजर हो गई थी। आज के मैचेस के लिए भी गेम टाइम डिसीजन है, कन्फर्म न्यूज आई नहीं। अगर यहाँ पर आज का मैच ये नहीं खेलती तो इनकी जगह पर मरीना मेमरी स्टार्ट करेंगी। और बैंक से विक्टर बोर्टोन, इस प्लेयर पर ध्यान रखना, ये आपको अच्छा टाइम खेलते हुए देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों प्लेयर के लिए आज का मैच इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ताहिर हैरिस नहीं खेलते। अगर ताहिर हैरिस खेलती है तो विक्टर बोर्टोन जो कि लास्ट मैचेस में 20 मिनट खेल गए थे, इनसे आप यहाँ पर 5-10 मिनट एक्सपेक्ट करना या फिर उससे कम भी टाइम मिल सकता है। तो ये सीनारियोज आज के मैचेस के लिए बनेंगे। स्टार्टिंग लाइनअप इंडियाना की तरफ से सेम स्टार्टिंग लाइनअप देखने को मिलेंगे। क्लिटिंग कार स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजिशन से स्टार्ट करेंगे केसली मिचेल। ये दोनों इस टीम के यहाँ पर मेन प्लेयर है और ऑफेंसिवली इन दोनों प्लेयर पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट है। लेक्सी वोल एक क्रेडिट सर्वर है जो कि फॉरवर्ड पोजिशन से खेलते हुए देखने को मिलेंगे। नेस्ली स्मिथ लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आया नहीं। अलिसा बोस्टन, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि यहाँ पर स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। टीम की बेस्ट प्लेयर है क्लार्क, उसके बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर जो है तो वो है यहाँ पर मिचेल, और थर्ड बेस्ट जो प्लेयर रहेंगे अलिसा बोस्टन। तीस तीन प्लेयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। क्रेडिट से और मैं आपको लेक्सी वुल देखने को मिलेंगे जो कि लास्ट मैचेस में अच्छा टाइम खेलकर कर लिए चली गई, और स्टील और ब्लॉक के चलते भी अच्छा यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, शूटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो ये 3 प्लेयर और उसके बाद क्रेडिट से और आपको मिलेंगी। ग्रैंड लीग के लिए बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की प्लेयर रहेंगे। स्मिथ लास्ट मैचेस में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस आए नहीं, और उनकी जगह पर बैंक से डेआंड्रे डांटस को अच्छा टाइम मिला। तो ये चेंजेस आपको आज के मैचेस में भी देखने को मिलेंगे। अगर स्मिथ स्टार्ट अच्छा नहीं करते तो डांटस आपको अच्छा टाइम खेलते देखने को मिलेंगी। ग्रैंड लीग खेल होते हैं यहाँ पर क्लिटिंग कार, मिचेल और बोस्टन, इन पर फोकस रख लेना। इनको यहाँ पर रोटेट कर कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। अभी यहाँ पर अगर सेकंड साइडली बात करेंगे जो कि आज का मैचेस के लिए विनिंगली फेवरेबल और बेस्ट टीम है, वो यहाँ पर कनेक्टिकट्स। इनकी तरफ से अगर हैरिस नहीं खेलते तो मेमरी इनकी जगह पर स्टार्ट करेंगे। शूटिंग गार्ड पोजिशन से कैरिंगटन बोर्नर, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से अलिसा थॉमस और ब्रियानियरी जॉन स्टार्ट करेंगे सेंटर पोजिशन से। ये इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग 5 आपको आज का मैचेस में देखने को मिलेंगे। एक ही चेंजेस देखने को मिलेगा, हैरिस खेलते हैं तो मेमरी की जगह पर हैरिस यहाँ पर आ जाएंगे स्टार्टिंग लाइनअप में, जो कि लास्ट मैचेस में स्टार्टिंग से ही इंजर हो गई थी। 3-4 मिनट के बाद यहाँ पर उनको बिठाया गया था बाहर, ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने रिस्क नहीं लिया था। हालांकि यहाँ पर सीरियस इतनी ज़्यादा इंजुरी नहीं है, लेकिन अगले राउंड के लिए वहाँ पर वो उनको सेव करना चाहते हैं। इस मैचेस के बारे में अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो डिफेंसिवली ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और स्पेशली यहाँ पर कैरिंगटन का डिफेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ पर सामने वाली टीम के गार्ड को चलने देते नहीं। यही रीज़न रहा था कि लास्ट मैचेस में इंडियाना फेवर की तरफ से जो क्लिटिंग कार के जो कि इनके यहाँ पर मेन पॉइंट गार्ड है और बॉल हैंडलर है, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आया नहीं था, क्योंकि कैरिंगटन का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओवरऑल टीम की तरफ से जो मेन प्लेयर है वो है यहाँ पर अलिसा थॉमस, सेकंड बेस्ट प्लेयर आप कैरिंगटन को कह सकते हो, क्योंकि डिफेंसिवली यहाँ पर स्टील बहुत ज़्यादा निकाल लेती है। एक्सपेक्ट लास्ट मैचेस में इनकी तरफ से स्टील आया नहीं था, लेकिन जब इससे पहले एक मैच मुझे याद है जब यहाँ पर खेला गया था इन दोनों टीम के बीच में, तो 5 स्टील इन्होंने निकाले थे। मरीना मेमरी का परफॉर्मेंस अच्छा है, शूटिंग के लिए अच्छे प्लेयर है। बॉनर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बड़े मैच की बड़ी प्लेयर है, लेकिन स्टील यहाँ पर इनके जो शूटिंग के शॉट गोल परसेंटेज है वो कम है मरीना मेमरी के आने की वजह से। तो बॉनर पर मुझे आज के मैचेस के लिए इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है,
एक और एक प्लेयर है ब्रायन एरी जॉन्स, इन पर आप फोकस रख लेना, सिलेक्शन प्लेयर परसेंटेज बहुत कम है, ये आपके लिए डिफरेंशियल ग्रैंड लीग भी करेंगे और स्मॉल लीग के लिए भी एक अच्छी रिस्की पिक आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अलिसा थॉमस को रख लेना, मरीना मेमरी, इन चारों प्लेयर पर आप फोकस रख लेना ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग सभी के लिए। बैन से दो अच्छे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, अगर नहीं खेलेंगे ताय सैरिस तो यहाँ पर विक्टम पोर्टोन अच्छा टाइम मिलेगा, और नेल्सन ओडा जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छा दिया है आज के मैच में भी शायद आपको अच्छा कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर ये रिबाउंड भी कलेक्ट करती है। जॉन्स यहाँ पर फ्लॉप हो जाती है तो उनकी जगह पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आता है। अभी जो मेरी डेमो ड्रीमलेवन टीम बनेगी वो भी आप देख लेना। टीम में अगर यहाँ पर आप इंडियाना को फेवर कर ले तो क्रिस्टलिन कार को लेकर चले जाना, अगर कनेक्टिकर्स को फेवरेबल कर ले तो यहाँ पर अलिसा थॉमस को लेकर चले जाना। दोनों को एक टीम में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट इशू आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कैरिंगटन को लेना है मस्ट हैव वे, उसके बाद मिचेल को लेना है यहाँ पर मस्ट हैव वे, सेंटर पोजिशन से आप किसे लेंगे, चलिए नेल्सन ओडा को आप एज ए क्रेडिट से और ले लेते हैं। 23 क्रेडिट में बाकी के प्लेयर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेक्सी बोल आपके पास आ जाएंगी, मरीना मेमरी को अगर यहाँ पर आप लेंगे तो क्रेडिट आपको अलाउ नहीं करेंगे, एक प्लेयर है जिसे आप विक्टर बर्टों को ले लेना, फिर भी यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रेडिट बचते नहीं। तो दोनों स्टार प्लेयर है अगर उनको एक ही टीम में लेना है तो ड्रीम इलेवन पर बहुत ज़्यादा क्रेडिट इशू आएगा, अदर एप्लीकेशन पर आप इनको एक ही टीम में लेकर ये टीम को ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है तो विक्टर बर्टों की जगह पर आप ब्रायन एरी जॉन्स को भी अपने टीम में रख लेना। अभी दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं रिस्क ले रहा हूँ क्लार्क पर रिस्क लेने का रीज़न सिंपल से ये कि यहाँ पर कैरिंगटन इनको यहाँ पर ज़्यादा चलने देते नहीं, इनके लिए डिफेंस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब यहाँ पर क्लार्क के पास यहाँ पर बॉल आता है तो उनको डबल डिफेंडर जाते हैं, यानी इनको यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर शॉट्स लेने देते नहीं, और लास्ट मैचेस में भी वही देखने को मिला, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको यहाँ पर स्ट्रगल किया है और बहुत बुरा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आए। तो क्लार्क निकाल कर मैं मेरे टीम में यहाँ पर मरीना मेमरी को ले रहा हूँ, बाकी के जो क्रेडिट बचेंगे उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपको चेंजेस बता दूंगा, मरीना मेमरी मेरे टीम में आ जाएंगे, कैरिंगटन मेरे टीम में आ जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने लेक्सी बुल की जगह पर विक्टर बर्टोन को मैं अपने टीम में रख लूँगा, विक्टर बर्टोन अगर यहाँ पर आ जाएंगी तो ये चेंजेस ये रहेगा कि यहाँ पर विक्टर बर्टोन मुझे यहाँ पर बैन से भी खेलते देखने को मिलेंगे, थाई सैरिस की जगह पर भी खेलते देखने को मिलेंगे, डैंटस ने लास्ट मैचेस में अच्छा किया तो उनको मैंने अपने टीम में रखा है। ये मेरी डेमो ड्रीमलेवन टीम रहेंगी, अलिसा बोस्टन को मैंने अपने टीम में रखा है क्योंकि सामने वाले टीम का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये कुछ ना होकर भी यहाँ पर रिबाउंड से आपको पॉइंट देंगी, मिचेल का शूटिंग से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, डैंटस लास्ट मैच एज ए बेंच प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी लास्ट मैचेस में आया है, और बाकी जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है उनके सभी प्लेयर को मैंने बैक किया है। अलिसा थॉमस जो कि यहाँ पर मेरी रहेंगी कैप्टन, इनको यहाँ पर पिक करने के यही रीज़न है, पॉइंट रिबाउंड से तीनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देती है और लास्ट मैचेस में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने डोमिनेट किया था, ट्रिपल डबल लगा कर आई है, यानी पॉइंट रिबाउंड और असिस्ट हर एक में यहाँ पर दस से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर देकर आ रही है। कैरिंगटन आपके पास आ जाएंगी, मरीना मेमरी आपके पास आ जाएंगी, ये मेरे डेमो ड्रीमलेवन टीम रहेंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस के बारे में अगर बताऊँ तो अलिसा थॉमस सीधे सीधा मेरे टीम में यहाँ पर रहेंगी, कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगी मेरी टीम में बोस्टन, ये मेरी डेमो ड्रीमलेवन टीम। अगर इस टीम में अगर आ जाती है आज के मैचेस के लिए हैरिस तो फिर इस टीम में यहाँ पर मेरे लिए थोड़े से चेंजेस रहेंगे, हो सकता है यहाँ पर मैं क्लिकलिंग कार को अपने आज के मैचेस में रोक लूँगा अगर यहाँ पर हैरिस वापस आ जाती है, अगर हैरिस नहीं आ जाती है तो सेम टीम मेरी रहेंगी, टीम सेव कर रख लेना। बहुत ज़्यादा यूनिक टीम है क्योंकि सारे जो प्लेयर है वो अलिसा थॉमस को नहीं लेंगे, क्लिकलिंग कार को लेंगे, और रिसेंटली मैचेस का और हेड टू हेड मैचेस का परफॉर्मेंस भी अगर आप ऊपर उठाएंगे तो क्लिकलिंग कार का इतने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं, हालांकि आज का मैच इनके लिए इंपॉर्टेंस है लेकिन इस प्लेयर की तरफ से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस आया नहीं जब इस टीम के अगेंस्ट खेली है, और फील्ड गोल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉट्स यहाँ पर डेफिनेटली ये प्लेयर आपको लेते देखने को मिलेंगे लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का यहाँ पर आया नहीं, उनकी जगह पर अलिसा बोस्टन को मैंने कवर किया है। और एक चेंजेस आपके लिए रहेगा, अदर जहाँ पर क्रेडिट से और एप्लीकेशन पर खेलते हो अलिसा बोस्टन की जगह पर आपके टीम में सीधा सीधा क्लिंग कार आ जाएंगी तो वहाँ पर क्लिंग कार को लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस आप बना देना। डेमो ड्रीमलेवन टीम है मोस्टली फाइनल टीम है, लाइनअप में अगर कोई भी चेंजेस होते तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।